आप बात सुने, आप देखें, एक बार मेरी बात सुन लें। इल्जाम लगाना दुनिया का सबसे आसान काम है, असल चीज है सबूत। अगर किसी के पास कोई सबूत है तो सामने आए। मैंने बात पहले भी कही है और अब भी कह रहा हूं, सलार इज अ स्टार। बड़े बड़े नामों के साथ काम किया इन्होंने। ईमान ने बेशक बहुत इज्जत कमाई होगी, मगर उनके स्ट्रगल का सलार के सफर से दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। इनके प्रोफेशनलिज्म के बारे में सब जानते हैं। नो अदर एक्ट्रेस हैज एवर हैड एनी कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। और अगर ये किसी की जाती जिंदगी या काम को सैबोटेज करने की कोशिश है, देन आई एम सॉरी। इन दोनों के बीच ना कुछ हुआ है और ना कभी होगा। एक और सवाल था, प्लीज वन बाय वन आप पूछिए। तो सुनने में आया कि आपको फिल्म से निकाल दिया गया। देखें, ये सच है। इन्हें बात आपको उनसे पूछनी चाहिए जिन्होंने ये किया है। नेक्स्ट। अरे इसकी बीवी सच कह रही है, लगता बंदा भी सच ही कह रहा होगा। जरूरी तो नहीं, तुम शायद औरतों को भी जानते नहीं। हाँ, और तुम दौलत की ताकत को नहीं जानते। तो ये चक्कर समझने के लिए ना मर के जिंदा होना पड़ेगा। क्या रिपोर्ट है? रिपोर्ट कुछ अजीब सी है, अजीब खिचड़ी सी मची हुई है। Everyone is so divided. बाकी सबको छोड़ो, अपने नेटवर्क का सोचो। हमारी कितनी कोलैबोरेशन रही है सालार के साथ, और फिर सालों का रिश्ता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हमारी मार्केट रेपुटेशन। टॉप 5 टीयर से हम कभी भी नीचे नहीं आए। Don't you think we are putting that on stake? Two production houses, एक film franchise, उसको ban कर चुके हैं और अब सबकी नजरें हम लोगों पर है। लेकिन ये project बहुत बड़ा project बन सकता है। It can still be. बड़े actors की कमी नहीं है। लेकिन हर कोई सालार नहीं है। बिल्कुल सही कहा तुमने, और शुक्र है कि हर कोई सालार नहीं है, क्योंकि सालार का नाम इस वक्त गाली बन चुका है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं इस वक्त गालियां सुनने के बिल्कुल मूड में नहीं हूं। फरहान के बारे में क्या ख्याल है? फरहान सोचा जा सकता है, लेकिन तो सलार को क्या बोलेंगे? तुम लोग इस मामले को खुद हैंडल करो, क्योंकि खुद से नहीं होता ये सब कुछ।
सब बच्चे मेरे पास आ जाए, बैडमिंटन टीम की अनाउंसमेंट है। आई हैव जैद, जारा, बिलाल, हसनैन, अरहम। अच्छा, जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं घर जाकर अच्छे से प्रैक्टिस करें। गुड लक। सर, कैन आई टॉक टू सर? मैंने जी बोले सर, बैडमिंटन की लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। मुझे नहीं पता। हेलो माँ, पापा नहीं? आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय प्रिंसिपल, मिलना चाह रही थी। मैं कमल लेती हूँ। आप लोग ऐसा करो, गो वेट इन द कार, रहमत भाई से को प्लीज एसी लगा दें, ठीक है? इट्स वेरी हॉट। गो, चलो, सब ठीक है? आई डिडंट गेट सिलेक्टेड फॉर द टीम। अच्छा, देखो, देयर इज ऑलवेज नेक्स्ट टाइम, है ना? It's okay. Smile. Yeah? So, it's okay. Go, wait for me. I'll come. इसको ऊपर ले जाओ, इस लाइन को देखो, ऐसे इसको कॉलम को एडजस्ट करो, ठीक है? अब वो नई इंटर्न कहाँ बिठाया है? मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? मेरी ऑफिस में बैठो ना, नजरों के सामने रहोगी, काम अच्छा होगा। कम्युनिकेशन जरूरी है। सामान उठाओ और आ जा। सुना, कम्युनिकेशन जरूरी है। ये बंदा जॉब पे रखने वाली बातें कम और शादी चलाने वाली बातें ज्यादा करता है। खुद की शादी तो फिर भी नहीं चली। बीवी के अलावा जो बाकी सबसे कम्युनिकेशन ऑन रहती होगी। अरे बुशा, वो आपके हैरेसमेंट के आर्टिकल है, क्या हुआ? सोच रही हूँ इन्हीं पर लिख दूँ। वैसे ख्याल बुरा नहीं है। आई एम टोटली विद यू। सर, आप भी इस तरफ से एग्जिट कर रहे हैं। ओके। निशा, इनको स्टोर को दिखा दें सर। जी सर। आप ही सही। मैं कई बार देख चुका हूँ यार, इतनी देर से कोई शॉट नहीं हुआ, दो घंटे से ऐसे ही बैठे हैं। तब तो पानी को आ जाना चाहिए था। सर, वो बैकआउट कर गई है और उसके साथ उसकी पूरी टीम भी। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, एक दूसरी लड़की आ रही है। दूसरी लड़की क्या मतलब? आप मुझे बताएंगे भी नहीं कि मैं किसके साथ काम कर रहा हूँ, या उस काबिल हैं भी कि मैं उनके साथ काम करूँ? सर, मौजूद के साथ इस वक्त जो भी आपके साथ काम करने पर रजामंद है, आप उसका शुक्र माने। सिर्फ ये बताना था कि स्कूल प्रिंसिपल ने तुम्हारे आने पे पाबंदी कर दी है। So, you don't have to pick or drop the kids anymore. Enjoy. ये
मोना मुदस्सिर सो गुड टू सी यू। काफी कुछ सुनने को मिल रहा है आपके बारे में। ऑल गुड थिंग्स। सुनने के साथ साथ दिखाई भी देती है कभी कभी। देख लिया कीजिए। देख रहा हूँ। इस दलदल में आप खुद को धकेल रही हैं उसे अच्छी तरह। मैं कुछ समझी नहीं। कभी बस में सफर किया? You know, आम आवाम की तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं किया होगा। मैं देख के बता सकता हूँ आप खाते पीते घराने से। You know, एक बस में जहाँ दो लोग औरत पर बुरी नजर रखते हैं वहां दस लोग किसी औरत के आने पर अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं, उन्हें बैठने की जगह दे और कोशिश करते हैं कि कहीं हाथ पैर ना लग जाए, कहीं घुटना ना टकरा जाए। मैं और आप एक ही बस पर सवार हैं, बस आपकी नजर उन दस लोगों पे है जो अच्छी राह में, लेकिन मेरी मेरी उन दो पर जो इस माशरे की गलाजत की असल हो जाए। हम दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये बात आप भी अच्छी तरह जानती हैं कि अगर बस में कोई औरत चीख पड़े तो बस वहीं रुक जाएगी। तो फिर आप ही बताइए, दुनिया मर्द की हुई या औरत? फिलहाल तो ये दुनिया आपकी है, लोगों की दुखती रक्त हाथ जो रखा हुआ आपकी। एक की वजह से दूसरे को इल्जाम देना ठीक है मदासे? एक ही वजह से दूसरे को इल्जाम से बरी करना भी ठीक नहीं। Enjoy the party till it lasts. And you enjoy your promotions. और मैं समझ सकती हूँ, जो हाथ मुंह में निवाला डाले उसका साथ देना ही पड़ता है, फिर चाहे वो सही हो या गलत। डॉक्टर के पास लेके नहीं जाएंगे आप इसे, बल्कि इसका सारा खर्चा भी उठाएंगे। दिमाग खराब हो गया बीबी, इतने नखरे तो मैं अपनी बीवी के नहीं उठाता जितने आप एक बिल्ली के उठवा रही हैं। जानदार है ये और आपकी गाड़ी के नीचे आए ना, लापरवाही भी आपकी है। ना पड़ो भैंस में भाई, ले चलें। चले बहन क्या करूं, गोद में उठा लूं इसे। अगर आपके बच्चे का पांव जख्मी होता तो कहां बिठाते आप? जाए जब एहसास ही नहीं है तो कुछ कहने का क्या फायदा। I'll manage. Hey. हाँ 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 अभी बाहर हूँ, मिलके बताती हूँ। ठीक है ओके बाय। राम से राम से सांस लो, राम से राम से। मेरा मोबाइल दो और शिवा रिब्बा इधर आओ जल्दी से, मैं बाबा को फोन करती हूँ। हाँ राम से राम से। बैठो यहाँ कर। क्यों बार बार फोन कर रही हो भाई? कल से रब्ता नहीं हो पाया तुमसे। हारिज को दोबारा से अस्थमा अटैक हुआ है, उसे सांस नहीं आ रही है। भाई मैं कोई डॉक्टर थोड़े ही हूं, जाओ अस्पताल ले जाओ उसे। और क्या, देखो मैं बहुत जरूरी मीटिंग में हूं, बार बार परेशान मत करो मुझे, रखो। हेलो हटो। मीटिंग
जूस मंगवाओ, पियोगे? मीटिंग से आ रही हो? नहीं, लाइट के पास थी। एक बात बताओ, आजकल इंसान और जानवरों के बीच का फर्क बिल्कुल खत्म हो गया। मैं तो खुद कई दिनों से यही सोच रही हूँ। जॉब इश्यूज क्या हुआ मुझे बताओ। आई नो तुम ठीक नहीं हो, क्या हुआ? आई डोंट नो यार, कुछ समझ ही नहीं आता। दिल और दिमाग जैसे आउट ऑफ सिंक हो गया है। क्या सही है, क्या गलत, व्हाट्स रियलिटी व्हाट्स फिक्शन, कुछ पता नहीं लगता यार। तुम वो सालार और ईमान का केस फॉलो कर रही हो? केस हो गया? नहीं, आई मीन जो इशू चल रहा है। इतना डिटेल में तो नहीं बताऊं मुझे, बट या आई डोंट थिंक सो आई एम ऑन एनीवन साइड राइट नाउ। कर लो बात। हे, कहाँ हो? बुशरा के साथ। मुझे बताया क्यों नहीं? I was going to. कितना टाइम लगेगा? अभी तो आई हूँ। ठीक है, नाश्ता करो कल मेरे साथ। वीडियो कॉल आओ जरा, तुम्हें देखना चाहता। वो इतने दिन से मिले नहीं है ना, थोड़ा सा इंपेशेंट हो रहा। क्यूट, बाय। Bye. Oh, so did I show you this? Raf ne diya. Did you show me this? ये भी राफे ने दिया है? यार क्या कर रही हो अपने साथ महानूर? Masters in literature, head of the animal welfare society, पढ़ी लिखी खूबसूरत और मोहब्बत करने के लिए तुम्हें ये इडियट मिला था? तुम्हें पता है बस थोड़ा सा जज्बाती है। इसे थोड़ा जज्बाती नहीं कहते और इसे मोहब्बत भी नहीं कहते। एक ही बात है। रियली मानूर? अबे सुन सुन सुन, कुछ साल पहले सलार खान ने मुझसे कांटेक्ट किया और मुझसे दोस्ती की, फिर मेरे करीब आए और फिर एकदम यूं ही गायब हो गए। शादीशुदा थे, डर गए। इस तरह के इंसान से ना कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। वेल आई स्टैंड विद ईमान। क्या मतलब है ईमान? सच बोल रही है? सच ही तो बोल रही है, ना जाने कब से चुप थी बेचारी। क्या वाकई उसके साथ जबरदस्ती हुई? क्या फर्क पड़ता है, एक ही बात है। What did I tell you? तुम मेरी बात सुनते हो बस? जासिम तुम्हारी कहाँ बनती है सालार से? मतलब सब लोग जानते ही हैं कि तुम लोग पहले भी बहस में पड़ चुके हो और उसके बाद तुम्हें उससे नफरत सी हो गई थी, है ना? अरे पोस्ट मेरी तरफ से थोड़ी, ईमान की तरफ से है। मैंने थोड़ी कहा था कि मुझे छेड़ा है। Wait and watch. अभी पता नहीं देखना है और कितनी आएंगी। MK फिल्म ने तो पहले ही निकाल दिया उसे, अब क्या होगा? खत्म बेचारे का कैरियर। और होना क्या है? He is finished.
भाई आलू की सब्जी 40 रुपए आधा किलो दे दें और ये भी दे दीजिएगा। कितने पैसे हो गए? 100 रुपए हो गए। 100 रुपए ये ली। मुदसरी कंटेंट ना ही ब्रेकिंग न्यूज का है और ना ही शो की। क्यों? इसके बाद तो ईमान की स्टेटमेंट में मजीद वजन आ गया, मोर क्रेडिबिलिटी। कौन है, कहां से आई है, जो भी है मैं जानता हूं झूठ नहीं बोल रही। पूरे एक महीने चला उनके दरमियान। क्या सामने आने को तैयार है? बस नहीं। सी, एक बात बोलूं मुदसर, डोंट यू थिंक इट्स फनी? सालार जैसे हजारों लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, हो सकता है इससे भी बदतर, लेकिन हम एक ही आदमी के पीछे हाथ धो के पड़ गए क्योंकि लोग उससे नफरत करते हैं और नफरत हमेशा मोहब्बत से ज्यादा बिकती है। जैसे हमारा नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से ज्यादा बिकता है, ऑल थैंक्स टू मी। आप मुझे क्यों एम्बेसडर बनाना चाहती हैं? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप मेरा नाम, मेरा फेस यूज कर रही होंगी। देखिए ईमान, बात सिर्फ इतनी सी है कि अभी तो लोग सिर्फ बातों बातों में आपका साथ दे रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जुड़कर इट विल ऑल बी मोर प्रैक्टिकल। अभी तो जो कहती है वो ईमान कहती है, लेकिन हमारे साथ जुड़कर पूरी फाउंडेशन आपकी आवाज होगी। किसी को कुछ कहने का मौका नहीं मिलेगा। बातें करने वाले फिर भी बातें करेंगे, लेकिन यकीन करने वाले दिल से साथ देंगे। थिंक अबाउट इट। अरे फौजिया, लेबिया रोटी कहाँ रह गई है? आ रही हूँ अम्मा। जल्दी आ जा। किस बात के नखरे इसके? इनको बोल दे अम्मा, काम पर जाती हूँ, काफी है, राशन लेने नहीं जा सकती मैं, खुद जाए या तुझे भेज दे। ज्यादा ही नहीं बकवास करने लगी ये? जो कमाता है वो बोलता भी है, तेरी तरह नहीं, सारा दिन घर में बैठे रहते और बस बोलते रहते। ज़बान चीज़ी में क्या कर रहे है? जवान लड़की है तू, क्या पागल पागल हो गई क्या? बैठ बैठ के खाना खा। हाँ मैं ही पागल हूँ, रात रात भर जाकर ये लोग नशे करें और काम पे हम जाएं, इनकी जेबें भरने। सारे मर्द एक जैसे होते हैं, अलग अलग तरह की तकलीफें देते हैं, मगर सब एक जैसे घटिया। रोक, मैं तुझे फौजिया, बाप के बारे में ऐसे अल्फाज बोलते हैं? बाप है तो बन के दिखाए ना, लोगों के सामने मेरे सर पर हाथ रखे, मैं भी कहूं बाप है मेरा। चल छोड़, खाना खा।
तलखाना डाल के दे मुझे। देखें, आप एक बार मेरी बात सुन ले, इल्जाम लगाना दुनिया का सबसे आसान काम है, असल चीज है सबूत। अगर किसी के पास कोई सबूत है तो सामने आए। मैंने बात पहले भी कही और अब भी कह रहा हूं, सलार इज अ स्टार, बड़े बड़े नामों के साथ काम किया इन्होंने, ईमानदारी से बहुत इज्जत कमाई होगी, मगर उनके स्ट्रगल का जब कोई टैलेंट जाया कर दिया जाए, सफर से दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। कोई टैलेंट जाया नहीं हो रहा, काम कर रहा हूं मैं, और वो भी पहले से ज्यादा। Not everything is about you, Salar. मैं तो अपनी बात कर रही हूँ, अच्छी खासी एक्ट्रेस बन ही जाती मैं। Look at me. मैं तुम्हारी बेटी की भी बात कर रही हूँ, अपनी क्लास में वो बेस्ट है स्पोर्ट्स में, और उसे इवेंट में सिलेक्ट ही नहीं किया गया क्योंकि अब वो दानिया सलार नहीं है, और ना ही वो एक अच्छी प्लेयर है, वो सिर्फ एक हरासर की बेटी है। चलाना मत, कोशिश भी ना करना, बचा के रखो किसी और वक्त के लिए, पता नहीं कब कोई नई ट्वीट आ जाए, तुम्हारी कोई नई दास्तान सुनाने। बच्चे सुबह इवेंट पे मेरे साथ जाएंगे, just make sure they're ready. First runner up, Furqan Ahmed. Second position, Shiza Sheikh. मैं इनसे अवार्ड नहीं लूंगी। फर्स्ट पोजीशन, अहमद अली। तमाम विनर्स बराए मेहरबानी स्टेज पर आ जाएं ताकि चीफ गेस्ट के साथ एक तस्वीर ली जा सके। Thank you.
सितारा यहाँ, अंधियारी रातें यही, रोशन जहाँ गुम है कहाँ है टूटा हुआ राबता, बेजर है हर रास्ता, ना है जमीन को तू भूल गया, जख्मों से कर दे रहा, मैं बंजर सितारा यहाँ, अंधियारी रातें यही, रोशन जहाँ गुम है कहाँ, पता शकल है खुदा मैं खोया हूँ, रास्ते को रोया हूँ, है कहाँ सुकून के वो पल, जा रूठा हूँ तुझसे खुदा, क्यों ना सुने इल्तिजा। बाजी वो वाला बीच वाला, हाँ ये हाँ यही वाले। क्या हुआ, मुंह क्यों बना रहे, डांट खा कर आई? नहीं बाजी, बस रहने दें, खामखा देर हो जाएगी आपको। देर नहीं होगी, सेट पर नहीं जाना, इवेंट पे जाना है, बस बोलना। बोलना आसान लगता है आपको? हाँ क्यों? तो बाजी आप अनवर के साहब से बोलिए ना कि वो उसे नौकरी से निकाल दें या उसे कोई धमकी दे दें, मुझे बड़ा डर लगता है उससे। बाजी कुछ कहा है उसने? को पता तो है बाजी, क्या फर्क पड़ता है, करने वाला उसका साथ देने वाला एक ही होता है। फौजिया उसने कुछ किया नहीं है कि मेरे पास कुछ बोलने को हो, और तुम्हें पता है उमर साहब से काम पड़ता रहता है, बात बढ़ाने का क्या फायदा। फौजिया जाओ, सुनो क्या कह रही, बाकी काम मैं खुद कर लूंगी, जाओ। हाँ जाओ। मोबाइल भी दे, क्यों कभी तुझे किसी ने हाथ नहीं लगाया, मोबाइल दे।
क्योंकि मैं ग्रीन हूं।